मध्य प्रदेश पुलिस पर यूं तो हर दिन ही सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन इन सब के विपरीत शाजापुर जिले के सुनेरा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा शहर के चारों तरफ हो रही है। दरअसल मामला शाजापुर NH 52 का है, जहां एक सड़क हादसा हुआ और गाड़ी पुलिस जब्त कर सुनेरा थाने ले आई, जिसमें 3 लाख रुपए रखे थे जो घायल हुए व्यक्तियों के थे। ईमानदारी का परिचय देते हुए सौरभ शर्मा ने 3 लाख रुपयों से भरा बैग घायल के परिजनों को लौटा दिया। कल करीबन 7:30 बजे के आसपास भिवाड़िया रोड सुनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एल्टो गाड़ी और एक डंपर के बीच एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अब्दुल रशीद जी अपने परिवार के संग एल्टो में जा रहे थे। अब्दुल रशीद जी जिसमें शांत हो गए हैं, बाकी 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जैसे ही सूचना मुझे और मेरे सहयोगियों को मिली तो थाने से पुलिस रवाना हुई और तत्काल वहाँ पहुँच के घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके बाद उनकी गाड़ी को लेके थाने लाया गया। करीबन 1 घंटे बाद मुझे सूचना मिली कि उस गाड़ी में कुछ पैसा रखा हुआ था, करीबन 3 लाख रुपए के आसपास, जो कि गाड़ी वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही और काफ़ी भीड़ भी लग गई थी। उसके बाद गाड़ी हम लोग थाने लेके आए थे तो उसमें देखा गया तो वो 3 लाख रुपए उसमें से बरामद किए गए और जिन लोगों के वो पैसे थे, जो लोग घायल थे उनको मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर रात में 11:30 बजे वो राशि उनको दी गई, जिससे आगे उन लोगों के इलाज के लिए उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों ने भी पुलिस की इस ईमानदारी पर खूब सराहना की। शाजापुर से विक्रम गुर्जर, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।